अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो फ्रूट डेजर्ट। इसके लिए एक कप मैंगो ले ली हूँ मैं, तकरीबन दो बड़े साइज़ के मैंगो को। अच्छा पका होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्वीट मैंगो ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारे आम अवेलेबल है अभी इसी मौसम में। इसका पल्प निकाल के रख ली हूँ मैं, तकरीबन एक कप है ये। बिना बेक किए हुए, बिना गैस चलाए आपको इजी तरीके से बताऊंगी मैं। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसी में डालेंगे सारे मैंगो पल्प। एक बनाना आप कोई भी ले सकते हो, पका होना चाहिए। इसको भी कट करके डाल देंगे। एक फुल बनाना डाली हूँ मैं, इसी में डाल देंगे तीन टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इसी में डाल देंगे दो से तीन चम्मच शुगर ऐड कर लेंगे, आप चाहे तो डालो वरना नहीं। इसी में डाल दूंगी मैं आधा कप मिल्क मेड। आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो मिल्क पाउडर का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, मीठे के हिसाब से आप शुगर डाल सकते हो। इसी में डाल देंगे इलायची पाउडर आधा टीस्पून। इसको ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लूँ मैं। इसका प्यूरी बना लूँ, आप देख लीजिए इतना गाढ़ा होना चाहिए। बिना पानी, बिना दही के, बिना दूध के आप इसको इस तरह बारीक करके ग्राइंड कर लेना है। इसको एक बोल में निकाल लेंगे, एक बोल में निकाल लेती हूँ। इसकी इस तरह लेवल कर देंगे। इसी में डाल देंगे अंगूर, कटे हुए अंगूर। थोड़ा पानी में नमक डाल के हल्का 30 सेकेंड के लिए भीगने के लिए रखी थी, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर ली हूँ मैं। वॉश करने के बाद इस तरह कट करके रख ली हूँ मैं। तकरीबन एक कप है, सीडलेस वाला स्वीट होना चाहिए। इसमें डाल देंगे फ्रूट, अपने हिसाब से लेना, आपकी मर्ज़ी, जितना कम या ज़्यादा ले सकते हो। एक एप्पल ले ली हूँ मैं, इस तरह कट करके रख ली हूँ मैं। इसको भी डाल देंगे। एक अनार ले ली हूँ मैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसी में डाल देंगे कटे हुए आम के पीसेस डाल देंगे। इसको इस तरह स्पैचुला से दबा देंगे। इसको तकरीबन एक घंटा सेट होने के लिए छोड़ देंगे, चिल्ड होने तक। उसके बाद मिलती हूँ मैं। तकरीबन एक घंटे के लिए फ्रिज में रखा हुआ था, इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारा क्रीमी टेक्सचर वाला मैंगो फ्रूट डेजर्ट बनकर तैयार हो चुके। बिना गैस जलाए, बिना दही, बिना दूध के, बिना क्रीम के बनने वाली मज़ेदार रेसिपी आप अपने बच्चों को और फैमिली को खिलाइए इस गर्मी में। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मुझे भी दुआओं में याद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।